आगामी बरसात को देखते हुए अतिवृष्टि, बाढ़ नियंत्रण एवं आपदा से बचाव व राहत व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। आगामी मानसून को देखते हुए दुर्ग नगर पालिक निगम अपनी व्यवस्था कर रही है। अतिवृष्टि, बाढ़ नियंत्रण एवं प्राकृतिक आपदा से बचाव व राहत व्यवस्था के संबंध में निर्धारित कार्य योजना अनुसार कार्य करने के लिए निगम कमिश्नर हरेश मंडावी ने अधिकारी कर्मचारियों को दायित्व सौंपते हुए दायित्व पूरी तरह गंभीरता, कार्य कुशलता व निष्ठावान पूर्वक करने कहा है। साथ ही निगम कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि मुख्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर शेल्टर केंद्र निर्धारित किए गए हैं। गौरतलब है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि, बाढ़ नियंत्रण, प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत, आकस्मिक घटना की जानकारी उपलब्ध कराने, प्रभावित व्यक्तियों को राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने, प्रभावितों को तत्काल सहायता दिए जाने व नगर के नालियों की सफाई व बाढ़ प्रभावितों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु एक सुनियोजित कार्य योजना तैयार की गई है। बाढ़ नियंत्रण से निपटने बनी कार्य योजना के तहत संभावित अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में निकाय क्षेत्रांतर्गत सुरक्षा एवं राहत प्रदान करने कार्यालय भवन के में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। साथ ही अन्य निगम अधिकारी व कर्मचारियों के नंबर दिए गए हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।